वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के जीवन काल से जुड़ी साखियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। आज की साखी गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की है। भाई मर्दाना को गुरु नानक देव जी के साथ यात्राएं करते हुए बहुत समय हो गया था, जिसके कारण वो कई दिनों से अपने घर नहीं गए थे। एक दिन भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी से कहते हैं, गुरु जी बहुत दिन हो गए हैं मुझे अपने परिवार से मिले हुए। मेरा मन अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दें ताकि मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकूं। भाई मर्दाना की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना चले जाओ लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हमें अभी बहुत सारे लोगों का भला करना है और उन्हें सही राह दिखानी है, कहीं परिवार के मुंह में मत पड़ जाना। भाई मर्दाना जी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें घर जाने की आज्ञा मिल गई थी। जब भाई मर्दाना अपने घर के लिए रवाना हुए तो कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें याद आया कि मैं इतनी देर बाद घर जा रहा हूँ, अगर खाली हाथ गया तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपने साथ कुछ लेकर जाना चाहिए। इतनी देर के बाद मैं अपनी बीवी और बच्चों से मिलूंगा तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊं। भाई मर्दाना वापस गुरु नानक देव जी के पास आए और उन्हें अपने मन की सारी बात बताई। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को एक पोटली दी जिसमें उन्होंने मुट्ठी भरकर कुछ पत्थर डाल दिए और बोले, मर्दाना इसे अपने साथ ले जाओ लेकिन इसे खोलकर मत देखना जब तक तुम घर नहीं पहुंच जाते। भाई मर्दाना ने वो पोटली अपने पास रख ली और घर की तरफ चल पड़े, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे कि गुरु नानक देव जी ने तो मुझे पत्थर दिए हैं, मैं इन्हें अपने साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ। जब मैं इस पोटली को अपने परिवार के सामने खोलूंगा तो मेरे परिवार वाले मुझे क्या बोलेंगे कि आप इतने समय के बाद आए हो और हमारे लिए पत्थर लेकर आए हो, वो सब मेरा अपमान करेंगे। साथ ही भाई मर्दाना ये भी सोच रहे थे कि ये पत्थर गुरु नानक देव जी ने दिए हैं तो ये कोई मामूली पत्थर नहीं होंगे, इनमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी, नहीं तो गुरु जी ये पत्थर मुझे पोटली में बांधकर नहीं देते। ये सब सोचते हुए भाई मर्दाना अपनी घर की तरफ चलते जा रहे थे। जब भाई मर्दाना अपने घर पहुंच गए और अपने परिवार से मिले तब उन्होंने सभी के सामने उस पोटली को खोला। जब वो पोटली खोली तो उसमें उन पत्थरों की जगह सोने की अशर्फियां निकली, जिसे देखकर भाई मर्दाना बहुत हैरान हुए। उनके परिवार वाले उन अशर्फियों को देखकर बहुत खुश हुए। भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी का शुक्रिया अदा किया और मन में बोलने लगे, आप संसार के मालिक हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं अपने मन के पीछे लगकर पता नहीं क्या क्या सोच रहा था लेकिन आपने मेरी लाज रख ली, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।